इस रेड बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को जल्दी से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का विषय स्टार्ट करें। नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है संतान रेखा के ऊपर है। आप लोग अपनी हथेली में देख करके जो है कैसे जो है पहचान सकते हैं कि हमारा पुत्र होगा, पहली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, कैसे पहचाने कि लड़का होगा कि लड़की होगी। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते। जो लोग अपने हाथ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप लोग अपने हस्तरेखा दिखवा सकते हैं। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली भी वो लोग जो है दिखवा सकते हैं। वास्तु के लिए जो लोग अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं या वास्तु से परेशान है, घर से नया प्लॉट लिया उससे भी परेशान है, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे कांटेक्ट ले सकते हैं। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं संतान रेखा के बारे में। पहले जो लोग हमारे चैनल पर जो लोग नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हमारी जो है मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी जो है जीवन रेखा होती है और ये हमारी भाग्य रेखा होती है और ये हमारी सूर्य रेखा होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग संतान रेखा पे। संतान कैसे पहचाने कि हमारा लड़का होगा कि लड़की होगी। संतान रेखा के लिए मैं पहले सब हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ जो संतान रेखा होती है वो यहाँ से देखते हैं। संतान रेखा ये हमारी मैरिज लाइन होती है। यहाँ से ये बुध की जो फिंगर होती है उसके नीचे से ऐसे एक लाइन जाती है, ये हमारी मैरिज लाइन होती है। मैरिज लाइन को ही काटते हुए एक कुछ रेखाएं होती है। अगर यहीं से रेखा बिल्कुल साफ सुथरी है और कटा फिटा नहीं है, कोई निशान नहीं है, ये रेखा अगर ऐसे है, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये रेखा अगर ऐसे जा रही है, मोटी रेखा है और अच्छी और स्पष्ट है, तो समझ लीजिए पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी जगह पे जो है दो लाइन भी खींची होती हैं, एक साथ खींची होती है, तो समझना चाहिए कि दो पुत्र की प्राप्ति होने का योग है। अब पता करते हैं कि लड़कियां कैसे देखें कि लड़की होने वाली है, लड़की पुत्री की प्राप्ति कैसे देखें। पुत्री की प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी होंगी, पतली पतली लाइनें दिखाई पड़ेंगी, छोटी छोटी और पतली लाइनें। अगर बिल्कुल पतली सी लाइन जो है जो लेंस होता है मैग्नीफाइड जो लेंस होता है उससे देखने पर तब दिखाई देती है पुत्री की रेखा, पुत्री की। कभी कभी पुत्र की भी जो रेखाएं होती हैं मैग्नीफाइड जो लेंस होता है उससे देखने पर मिलता है पुत्र की भी रेखा। लड़कियों की जो है पुत्री की जो रेखाएं होती है वो पतली होती हैं और लड़के की जो रेखाएं होती थोड़ी सी मोटी होती है, स्पष्ट होती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ जुड़वा बच्चों की लाइन कैसे देखें कि जुड़वा बच्चों का पुत्र का योग है कि नहीं। जुड़वा बच्चों के लिए जो है लाइन ऐसे जाई गई होती है, सिर्फ वाई के आकार पे गई होती है, ऐसे वाई के आकार पर देखने को मिलती है। अगर ऐसे इस तरीके से रेखा अगर देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए कि पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन दो पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जुड़वा में भी यही जो है साइन होते हैं कि जो है मोटी रेखा होनी चाहिए तभी पुत्र होगा। अगर जो है कोई पतली रेखा दिखाई दे रही है जुड़वा में तो ट्विंस जो है लड़कियां पैदा होंगी। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ मिसकरेज की। जो बच्चा जो है गर्भपात में मिसकरेज हो जाता है, कभी कभी लोग गर्भपात भी करवा देते हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह ना बना हो, यहाँ पर ऐसे गर्भ क्रॉस का चिन्ह ना बना हुआ हो, या फिर कटी फटी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे कटी फटी काफ़ी जो है आड़ी तिरछी रेखाएं भी ऐसे ऐसे देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के जातक के जो है बहुत सारे बच्चे होते भी हैं और बच्चे होने के बाद में बच्चा ख़राब हो जाता है, दो तीन महीने बाद फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है लोगों को कुछ ना कुछ मतलब। और कुंडली में भी ज़रूर देखना चाहिए, हथेली तो हम लोग देखते ही देखते हैं और कुंडली भी देखना चाहिए। कुंडली में जो है पंचम भाव में बृहस्पति अगर अच्छी पोजिशन पर रहे, बृहस्पति की महादशा मिल गई है, बृहस्पति गोचर में अगर जो है मूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पुत्र बहुत ज़्यादा संस्कारी होगा। अगर सूर्य बैठा हुआ है पंचम भाव में मंगल के साथ तब जो है जो ऑपरेशन बच्चे का जो भी बच्चा पैदा होगा वो सिजेरियन बच्चा पैदा होगा। वैसे आजकल तो सभी लोगों की सिजेरियन ही डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, तो सिजेरियन बच्चा पैदा होगा। ठीक है, सूर्य और मंगल अगर बैठे हुए हैं, अगर वहीं पर पंचम भाव में राहु की दृष्टि है तो मिसकरेज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। शुक्र बैठा हुआ राहु के साथ, शुक्र में बैठा हुआ मिसकरेज वगैरह बहुत होता है, लेकिन लड़की पुत्री की भी प्राप्ति हो जाती है ऐसे लोगों को। अब बात कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं ये सब साइन हटा देती हूँ और दूसरी बात कर लेती हूँ जो बहुत ही संस्कारी पुत्र कैसे प्राप्त करें कि मेरा जो पुत्र होगा बहुत ही ज़्यादा संस्कारी होगा या नालायक होगा पुत्र।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको एक ध्वजा का साइन अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि जो आपका जो पुत्र आने वाला है, गर्भ में जो पुत्र आएगा, समझ लीजिए उसका पूर्व जन्म का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा और पूर्व जन्म में वो राजा महाराजा रहा होगा और अच्छे कुल में बहुत ही बहुत बड़े बड़े घर वाले जातक की जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ में ऐसे ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं। कभी कभी यहाँ पे जो स्टार का भी चिन्ह देखने को मिलता है, यहाँ पे पुत्र के साइन पे यहाँ पे स्टार का जो है चिन्ह, ऐसे ऐसे स्टार का भी चिन्ह देखने को मिलता है, वो उन्हीं महिलाओं के हाथ में देखने को मिलता है, बहुत ही जो लकी महिलाएं होती। कभी कभी गरीब घर की जो है महिलाएं होती उनके भी हाथ में देखने को मिलता है, लेकिन आगे चल करके बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में उस बच्चे को पद भी प्राप्त होती है, ऐसा होता है। जिनके हाथ में यहाँ पर कोई भी रेखाएं नहीं होती हैं, बात कर लेती हूँ इस पोजीशन पर कोई भी रेखाएं नहीं हैं, तो वो लोग उदास ना हो कि मेरे लड़का या लड़की कोई भी नहीं प्राप्त होगा, मैं बांझ हूँ, इस तरीके का मन में बिल्कुल भी विचार मत लाइए आप लोग, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ से, ये जो हमारी जो इच्छा शक्ति, ये जो होता है इच्छा शक्ति का ये घोतक होता है अंगूठा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अंगूठे से भी हम लोग जो है पुत्र के पितृ को देखते हैं, पुत्र होगा कि पुत्री होगी, यहाँ अंगूठे से भी हम लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए ये करना होता है, यहाँ पे अंगूठे में ये देखना है कि यहाँ पर जो है कोई जंजीर नुमा ऐसे ऐसे लाइन तो नहीं बन रही है, यहाँ पर जा करके बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को ये नोटिस करना है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जंजीर नुमा ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और शुक्र से शुक्र की एक लाइन ऐसे जा करके और इसको टच कर रही, एक लाइन ऐसे जाके अंगूठे को ऐसे ऊपर टच कर रही है, तो ऐसे जातकों को भी जो है पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्री की प्राप्ति होती है, ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कुंडली, कुंडली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो हाथ में ही भगवान ने हाथ में ही नक्षत्र ग्रह सब कुछ जो है, हाथ हमारा जो सामुद्रिक शास्त्र होता है इसके अनुपात में ही भगवान ने जो हमारा जो चेहरा होता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारा जो हाथ है उसी से ही देख करके ही पता चल जाता है। अगर किसी की कुंडली वगैरह नहीं होती तो हाथ देख करके ही सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। और कुंडली में जो है बहुत कुछ देखने को मिलता है, अगर कुंडली किसी की बनी है किसी जातक की महिला की या पुरुष की, तो कुंडली से दोनों पति पत्नी की दोनों की कुंडली देखनी चाहिए, दोनों की कुंडली में देखना चाहिए कि पुत्र का योग बन रहा है कि पुत्री का योग बन रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, गर्भधारण कंसीव नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो कुंडली जरूर देखना चाहिए। कुंडली में सबसे पॉजिटिव जो ग्रह है बच्चों के लिए, चंद्रमा अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए, बृहस्पति पंचम भाव पर, पंचमेश जो है वो नीच के होकर के नहीं बैठने चाहिए, अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए तभी जो है पुत्र अच्छा होगा। अगर वहीं पर अगर जो है आपके पंचम भाव में अगर मान लीजिए कि बुध के साथ जो है राहु बैठ गया, ठीक है, तो जो भी बच्चा होगा बहुत ज़्यादा नालायक होगा, घमंडी होगा, बात ना मानने वाला होगा, जो संतान का जो सुख है वो संतान का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है। पुत्र संतान हो तो जाती, संतान होने के बाद में बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर संतान का सुख नहीं मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कुंडली देख करके भी पता चलता है कि बच्चा तो हो गया मेरा, बच्चा अब 12 साल का हो गया, मेरी बात ही नहीं मानता, पढ़ता लिखता नहीं है, संतान का सुख ही नहीं मिल रहा है, बच्चा दूर हो गया माता पिता से, बड़े मन्नतों से जो है बच्चा आत हो गया लेकिन बच्चा ही दूर हो गया, बाहर हॉस्टल में चला गया, बच्चे का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें, ये सारी पोजिशन हैं। चलिए आज का विषय हम यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये विषय हमारा अच्छा लगा होगा। जो लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग जो है अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और जो लोग भी वास्तु घर का वास्तु भी ज़रूर देखना चाहिए। अगर एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जो है घर में जो है पद कम से कम 400 गज का मकान होना चाहिए, उसी में ही वास्तु परफेक्ट तरीके से हो पाता है, फ्लैट वगैरह में वास्तु वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, आज का विषय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक विषय मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पर ये जो बृहस्पति फिंगर है, अगर बृहस्पति फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो समझ लीजिए पुत्री की प्राप्ति होगी, अगर यहाँ पर जो है सूर्य की जो फिंगर है, सूर्य की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो समझ लीजिए जो जातक आपके घर में जो बच्चा आएगा वो सूर्य की पदवी लेकर के आएगा, ठीक है, सूर्य का पाया लेकर के आएगा बच्चा, ठीक है, और सरकारी उसकी जॉब तो निश्चित ही होगी, मतलब जो भी बच्चा घर पर आएगा चाहे वो पुत्री आए या पुत्र आए, बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं करना चाहिए,
किसी को भी। चलिए आज का विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि हमारा ये जो विषय है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के हाथ का फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है सेंड कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर ये जो नंबर दिखाई दे रहा है यही व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पे जो है अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं और जो अपॉइंटमेंट फीस है वो स्क्रीन पर दी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट फीस यहाँ पर दी गई है। आप लोग अपॉइंटमेंट ले करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो फीस होगी आप बैंक में भी डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर पेटीएम कर सकते हैं या फिर आप लोग गूगल पे भी कर सकते हैं। चलिए आज का विषय यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, राधे राधे।